आइए संकल्प से सिद्धि का एक महाअभियान चलाएं, एक ऐसा संकल्प जिसे अगले 5 वर्षों में हम सिद्ध करके दिखाएंगे। हाँ, देशभक्ति की बह रही हवाएं, हो पूरब पश्चिम में जगी आशा, जुट जाए संकल्प से सिद्धि लाए। चलो मिलकर नया भारत बनाए, चलो मिलकर नया भारत बनाए, चलो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगी, मैं अपने देश को ओलंपिक में आगे लेके जाऊंगी। आतंक मिटे सौहार्द बढ़े, भारत माँ का मान बढ़े, देशभक्ति पर हम डट जाए। अपना योगदान दूंगी। चलो मिलकर नया भारत बनाए, मैं अपने देश को गरीबी मुक्त करूंगी, मैं अपनी बेटी के पढ़ाऊंगी। महिलाओं का हो सम्मान, दिव्यांगों का जीवन आसान, मैं अपने देश को दिव्यांगों के लिए सुरक्षित बनाऊं। नव भारत के निर्माण में जुट जाए, संकल्प से सिद्धि लाए। ना हम गंदगी करेंगे, ना ही करने देंगे। मैं खुले में शौच नहीं करूंगा। हर खेत हरा, फसलों से भरा, समृद्धि हर घर महके धरा, सब मिलकर संकल्प लें एक नए भारत का। newindia.in बीच में आज के कार्यक्रम के अतिथि पधारे हुए सभी, आज के भारत संकल्प यात्रा में सभी का मैं दिल की गहराई से प्रशासन और नगर परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान एमएलए साहब जोगेश्वर निशान जी जैन हमारे बीच मौजूद हैं, एसडीएम साहब प्रमोद जी सिर्फ हमारे बीच मौजूद हैं,
गजेंद्र जी, युवा मोर्चा युवा अध्यक्ष, मैं महोदय अशोक जी शर्मा से कि वो पधारें और हमारे एमएलए साहब से गोविंद जी टांक से कि वो साफा पहनाकर आप श्रीमान का इसी कड़ी के रूप में हम बहुमान करें माला और साफा पहनाकर। हेलो, हाँ बस हमारे बीच में मौजूद हैं एसडीएम साहब प्रमोद जी सिरवी। मैं माला के लिए निवेदन करूंगा हीरालाल जी से। नगर अध्यक्ष बहुमान करें। महेंद्र जी मुड़ो, हमारे बीच में महेंद्र जी मुड़ो जिला स्वागत गीत जी बच्चे तैयार है। दया परमवीर सिंह जी भाटी किसान आपके बहुमान के लिए किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष के रूप में मौजूद है। मैं आपके बहुमान के लिए निवेदन करूंगा अनिल जी से, सांवला राम जी और मदन जी आपसे अनुरोध है। तो पेंशन दीजिए। कौन आ गई है अनिल जी पधारे और मदन जी को माला पहना कर उनका बहुमान करें। और सांवला राम आपके बहुमान के लिए स्वागत गीत के रूप में दयावती जी चारण बच्चियों को माइक थोड़ा पास में लाओ। माइक माइक Please.
अब सभा के लिए निवेदन दूंगा भवरजी पंजाब से प्रशासन की ओर से सभी का स्वागत और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संदेश को सुनाने के लिए नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की
जन्म जयंती से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव गांव जाएगी, हर गरीब हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाए। तो 2018 में केंद्र सरकार ने ऐसे ही 11,000 अफसरों को गांवों में भेजा था। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का मन लेकर के निकलना है। भारत संकल्प यात्रा देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। यस, ऑन द मून, यही समय है, सही समय, भारत का अनमोल समय है, यही समय है। साहस संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान संकल्पों से सिद्धि की मंजिल की ओर बढ़ रहा है। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, सूरज मल का शौर्य महान, बहन बेटियों का सम्मान, खुशहाल बनेंगे गांव किसान। एक दशक पहले महिलाओं और बहनों की सेहत पर उनकी रसोई ही भारी पड़ रही थी। संकल्प था रसोई में सेहत की सुरक्षा का। आज राजस्थान में 69,26,000 से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन ने उस दुश्मन को भगाया है। एक समय ऐसा भी था जब गरीबों के आवास के सपनों के साथ खिचौलिये खेला करते थे। संकल्प था गरीबों के सर पर ईमानदारी से छत उपलब्ध हो। आज राजस्थान में पीएम आवास योजना द्वारा सभी सुविधा युक्त 18,75,000 से अधिक घरों का हुआ है निर्माण। एक समय था जब महंगे इलाज और महंगी दवाइयों का दर गरीबों के लिए कर्ज का बोझ लेकर आता था। आज 1,10,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड से मिलता मुफ्त इलाज। जन औषधि केंद्र की सस्ती दवाओं ने भी लाई है चेहरे पर मुस्कान। एक समय ऐसा भी था जब रेड़ी पटरी वालों के सपनों की कोई कीमत नहीं थी। संकल्प था उनके सपनों को करना साकार। आज राजस्थान में 1,08,000 से अधिक रेड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि के माध्यम से बिना गारंटी के 166 करोड़ से अधिक का लोन मिला है। आजादी के दशकों बाद भी कैसे विश्वकर्मा भाई बहनों के जीवन की बेहतरी की राह नहीं थी आसान। संकल्प था उनके जीवन को बदलना। आज पीएम विश्वकर्मा बन रहा है वरदान। आजादी के दशकों बाद भी कैसे अंधेरे में डूबे रहना ही मानी गई थी नियति। आज राजस्थान में सौभाग्य योजना से हर घर रोशन हो रहा है।
उजाला योजना अंधेरे को परास्त कर रहा है। अमृत योजना की उम्मीद की बूंदे हर शहर और कस्बे को दे रही नई पहचान। 1,90,00,000 से अधिक मुद्रा और 10,000 खेलो इंडिया से भी प्रतिभाओं ने बनाई है नई पहचान। इक्कीसवीं सदी की तैयारी हो रही है, राजस्थान का भविष्य गढ़ा जा रहा है। वंदे भारत की स्पीड है राजस्थान में, अमृत भारत स्टेशन की नई पहचान भी। और हाँ, अब उड़ान योजना से देश के सुदूर हिस्से से भी हवाई यात्रा की जा रही है। राजस्थान के संकल्पों की सिद्धि, ये बढ़ रहा है एक विकसित भारत के विराट लक्ष्य की ओर। 2047 का जो तिरंगा झंडा फहराएगा, एक विकसित भारत का गुणगान करना होगा। विकसित भारत का सपना में मैं अपना लिखना वाला हूँ। चुनौती पर जीत का परचम लहराते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है, कई कीर्तिमान बनाए हैं और अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहाँ सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। याद है ना कैसे हमारी माताएं, हमारी बहनें काले धुएं में खांस खांस कर आधी हो जाया करती थी, पर अब वो कैसे स्वस्थ जीवन बिताती है, घर घर उज्ज्वला ज्वाई है। क्योंकि संकल्प था धुएं को हराने का। याद है ना हमारी बच्चियां पानी भरने जाती थी जिसके चलते स्कूल छूट जाया करता था, पर अब घरों में नल और बेटियां हैं स्कूल में, क्योंकि संकल्प था घर घर जल पहुंचाने का। याद है ना जब गिनती के आवास बनते थे, बिचौलियों की भेंट चढ़ जाते थे, पर अब आजादी के बाद सबसे अधिक घर बने हैं, वो भी सारी सुविधाओं से युक्त, क्योंकि संकल्प था सबके लिए निष्पक्ष मिले पीएम आवास। याद है ना जब घर का एक सदस्य बीमार पड़ता था तो पूरा परिवार गरीबी और व्यवस्था के जाल में फंस जाता था, पर अब सभी के पास 5,00,000 तक का निशुल्क इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि संकल्प था बीमारी को हराने का, ना कि उसके खर्च से हारने का। याद है ना हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को ऋण और ब्याज के बोझ तले दबते देखना, चाह कर भी कुछ न कर पाना, पर अब वो बदल गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि उनके सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प था अन्नदाता के खेतों में फसलों के साथ खुशियां भी होंगे। याद है ना पहले गरीबों के लिए बैंक की सीढ़ी दूर थी, पर आज जनधन योजना ने उन्हें नई आर्थिक शक्ति दी है, क्योंकि संकल्प था सभी के विकास का। याद है ना कैसे असमय गरीब की मृत्यु हो जाने से उसका पूरा परिवार संकट के दलदल में फंस जाया करता था, पर आज जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार का ख्याल रखती है, क्योंकि संकल्प था दुख की घड़ी में साथ निभाने का। याद है ना गरीबी और भूख एक अभिशाप सा था,
पर अब नहीं है। इससे हर गरीब को महीने के महीने निशुल्क राशन मिल रहा है, क्योंकि संकल्प था कि भरपेट भोजन की संतुष्टि हर चेहरे पर दिखे। याद है ना, हम गरीबों के लिए बुढ़ापा तो मानो कई दिक्कतें लेकर आता था। छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, पर अब बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। अब पेंशन अभियान ने बुढ़ापे को वरदान बना दिया है, क्योंकि संकल्प था बुजुर्गों की सेवा। सालों साल जो मुश्किल था वो अब मुमकिन है। नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं। तभी तो एक दशक में भारत के गांवों में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी यात्रा आगे बढ़ाता नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। यही भारत की उद्देश्य और उसके लाभार्थियों को मिलने वाले विभिन्न लाभों के बारे में, लेकिन हमें दो पंक्तियों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसे जुड़ जाना। असत्य बुझाओ की शक्ति है दलित गति में देशभक्ति। बनने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। सभी से अनुरोध कॉलोनी जालोर से हो। मैंने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना का लाभ मिला, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसका फॉर्म भरा और उसका लाभ भी मिला, जिससे मेरा भवन निर्माण हुआ और मैं इस योजना से बहुत खुश हूँ और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। 20,000 मिल गए, 1,20,000 मिल गए, सर मिलने बाकी है। उसमें आपको कितने चक्कर काटने पड़े नजर आ सकते हैं? नहीं काटने पड़े, घर बैठे सब हो गए। कितने रिश्वत देनी पड़ी? कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं, सब अपने ऑनलाइन हो गए। पिताजी का नाम पूरा राम जी, मैं लालपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म जो भरा था, मेरा आवेदन स्वीकृत हुआ और मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मैंने भवन बनवाया है और मुझे पहला नरेंद्र जी मोदी जी का धन्यवाद। पूरा बन गया भवन जी? बन गया है। पूरे पैसे मिल गए? दो किस्ते हैं। दो किस्ते हाँ सर। बाकी कब आएगी सर? कोई चक्कर काटना नहीं पड़ा? नहीं सर। ठीक है। सौरम परियार भोली जी की रहने वाली हूँ और NM बहन जी और आशा बहन जी मेरे घर पर आए थे और KYC की थी, जिससे मेरा आयुष्मान कार्ड बना है और ये अन्य राज्यों में भी लागू है, जिससे मेरा 5 लाख तक मुफ्त इलाज हो सकता है। और यार ये भारी से भारी कोई भी समस्या से या ऑपरेशन कोई भी हम करवा सकते हैं इससे। तो मैं तहे दिल से मोदी साहब को धन्यवाद देती हूँ कि ये गरीबों के लिए ये योजना चालू की है, तो ये आम जनता के लिए बहुत बहुत फ़ायदा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और MLA साहब को भी धन्यवाद देती हूँ सर, हमारे तो गांव के हैं सर। और मैं धन्यवाद देती हूँ पैसवाड़ा मठ। मैं दीपा राम जी की लड़की हूँ, गोड़ी जी की निवास हूँ और हमारे घर पे आशा बहन जी आके ऑपरेशन कराई थी और इससे हमारे आयुष्मान कार्ड बना है और हमने इसमें 5 लाख का हमारा बीमा बना है। 5 लाख का हम कहीं पर भी कोई भी राज्य में हम है ना इसका इलाज करा सकते हैं। और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम गरीबों के लिए ये सहायता की है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 6:30 और शाम को 5 से 7, इससे मेरे खेल में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है और हमारे अंदर टीम वर्क हुआ है और हमारे डिसिप्लिन आ गया है हमारे गेम में। तो मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से हमें खेलने में और इम्प्रूवमेंट आया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तोड़ दिया था हाँ, उसका थोड़ा सीमेंट वाला कलर कराना है।
मैं खेलो इंडिया सेंटर का लाभार्थी हूँ। मुझे खेलो इंडिया सेंटर द्वारा एडवांस टेक्निक, हाई स्किल्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से हमें एडवांस कोचिंग मिल रही है। मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद जय भारत। क्या खेलते हैं आप? बास्केटबॉल सर। पीएम स्ट्रीट वेंडर के योजना से मुझे 10,000 का लोन मिला था और उसके बाद 20,000 का लोन मिला। मुझे व्यवसाय में इसे मदद मिली, मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं जालौर जिले के रतनपुरा गांव का रहने वाला हूँ। मैं विकलांग कोटा से हूँ। विकलांग हूँ मैं। मेरे सरकारी में कोई नौकरी नहीं थी। जब नगर पालिका ने मेरे को वहाँ पे एक जगह दी और मेरा ठेला लगा के मैं बैठता हूँ नगर पालिका के आगे और मैं ग्लास टेम्पर का काम करता हूँ और मेरा भरण पोषण परिवार का करता हूँ। विकलांग नहीं दिव्यांग। बारे में कृषि और मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मैं बुला रहा हूँ एओ नोगिया जी। आपको कृषि के बारे में विस्तार से बताएंगे कि वर्तमान में जो सब्जियां आ रही हैं, जो तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा। अपन यूरिया का जो कट्टा लेते हैं 266 रुपए का और जो डीएपी का जो कट्टा लेते हैं 1350 रुपए का, उस कट्टे की वार्षिक मूल्य क्या है? शायद ही किसी को पता होगा कि उस कट्टे की वार्षिक मूल्य है जो अपन यूरिया का जो कट्टा लेते हैं उसकी प्राइस 3600 रुपए है और जब मांग बढ़ती है और तो बाहर की देशों से उसको इम्पोर्ट करते हैं तब उसकी प्राइस बढ़ हो जाती है 3800 रुपए। सेम टू सेम अपने डीएपी का भी ऐसा ही है, उसकी भी प्राइस तकरीबन 3400 रुपए की है लेकिन अपन को सरकार देती है अपन को 266 रुपए के अंदर और 1350 रुपए के अंदर कट्टा देती है। तो इससे क्या होता है कि अपने सरकार के ऊपर अनावश्यक जो सब्सिडी का बोझ बढ़ता है। 2022-23 की बात करें तो अपने पूरे देश में इस तरह से तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का अपने सब्सिडी का बोझ बढ़ा था। तो इससे क्या होना कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान, अपन जो किसान है उसको भी नुकसान और जो अपनी जमीन है उसको भी नुकसान होता है। अभी जो बोझ बढ़ा है 2.5 लाख करोड़ का तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? अपन जो किसान के हैसियत से अपन इसे कम कैसे कर सकते हैं? तो कम करने का मैं कुछ दो तीन जो तरीके मैं बताऊंगा। एक तो है अपने जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। अपने क्या है ना कि यहाँ पे जो किसान लोग हैं वो रासायनिक खाद का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। 2 कट्टा 3 कट्टा 4 कट्टा खेती के नाम दिए और दूर के नाम दिए तो उससे क्या होता है कि उससे अपनी जो जमीन की उर्वरक क्षमता होती है वो जितना पैदा कर सकती है तो उसके ऊपर ये गलत प्रभाव पड़ता है। आज अगर अपन 100 रुपए का यूरिया अपन खेत में डालते हैं तो उसमें से पौधे को मात्र 20 या 30 रुपए का ही पौधे को यूरिया मिलता है और बाकी का जो 70 रुपए का जो यूरिया होता है जो अपन डालते हैं तो वो या तो उड़ जाता है या फिर वो अपने पानी के साथ में लिचिंग हो गए अपने जो भूजल होता है उसके साथ में डूब जाते हैं और वो नीचे चल जाता है। इससे अपना जमीन भी खराब होती है और जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी कोई ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने और अपने देश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करके ये अपने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का आविष्कार किया। आपको शायद ही किसी को यकीन होगा कि ये 500 ml की बोतल एक पूरे 45 किलो के कट्टे के बराबर काम करती है और उससे भी बढ़िया काम करती है। अगर आप एक कट्टा यूरिया खेत में डालते हो तो जो पौधे को जो वार्षिक रूप से मिलता है बहुत कम मिलता है जबकि इसका आप उपयोग करते हो इसको अपने 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपन टंकी के अंदर या फिर जो ड्रोन के माध्यम से मिला के अपन स्प्रे करते हैं सब पत्तियों पे तो ज़्यादा फायदा मिलता है। ज़्यादा फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि ये जो होता है सीधे जो पत्ती के ऊपर गिरता है और पत्ती सीधे ही इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी जो अपन जो खेत में जो यूरिया छटकते हैं तो उसमें वो पहले मिट्टी में मिलता है फिर उसकी जड़ उसको सोखती है फिर वो एक पौधे का अपना तंत्र होता है कि उसको जो भी उसमें उसको चेंज करता है फिर वो पौधे के काम आता है जबकि ये सीधा ही पत्तियों के माध्यम से उपयोग करके अपने पौधे के काम आ जाते हैं। और इससे क्या ना कि इससे चूंकि ये अपने सीधे पत्तियों के ऊपर गिरता है चूंकि अपन इसका स्प्रे करते हैं तो सीधे अपने पत्तियों के ऊपर गिरता है तो जो भूमि जो है वो भी अपने खराब नहीं होती।
तो ये इसके थोड़ा कुछ फायदा है। और इसमें एक चीज और आती है, अगर अपन हरी खाद का उपयोग करें तो न तो अपन को हीरे के कट्टे डालने की आवश्यकता और न ही अपन को इसकी आवश्यकता। अभी ये चापाती पहले की बात है, मैं एक फील्ड में गया हुआ था तो उस किसान ने क्या ना कि ढेंचे का बीज बोया था। अपन जो सोई करते हैं उससे पहले उसने ढेंचे का बीज बोया था एक छोटी सी जगह पे जो हमने बीज बांटा था। तो फिर उसने उस खाद को पलटा, जो वो पौधा बड़ा होता है तो उसने उसको पलट दिया और उसके बाद में उसने गेहूँ की खेती की। अभी भाई हमने तो उसे कहा था कि भाई आप इसको उपयोग करके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो बाद में और करना। और उसने क्या किया, उसने आधे खेत में तो उसने ढेंचा बो दिया, आधे में नहीं बोया। और अभी कल मेरे पास एक वीडियो आया था उसी किसान का, तो उसमें वो किसान बोल रहा है कि साहब हमने यहाँ पे ढेंचा बोया था और उसकी खाद बनी और यहाँ पे मैंने नहीं बोया था, यहाँ पे मैंने ऐसे ही बो दिया। अभी आप देखो इसके अंदर कितना बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, और जबकि पानी दिया दो बार पानी देने के बाद भी उसकी जो ग्रोथ है वो जस्ट पास वाले खेत में तीन बार पानी दिया है उससे कई गुना बेहतर है। और वो किसान तो ये बोलता है कि साहब अन्नी ग्रोथ तो इतनी बढ़िया है कि मन तो भरे खाद का उपयोग कर दिया, आवश्यकता ही नहीं है। तो ये एक अपने जो हरी खाद होती है, एक अपने होती है गोबर खाद, अपने जो गोबर खाद का उपयोग करके भी आप अपने खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ा सकते हो। अभी एक मेरा सवाल है छोटा सा कि अपन क्या ना कि अपन लोग मिट्टी की जांच कभी नहीं करवाते हैं। जिस तरीके से अपन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने घर वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपना फर्ज बनता है कि अपन धरती माँ जो अपनी मिट्टी है उसका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसके अनुसार ही उसको जो भी खाद है, जैविक खाद है या फिर जो डी ए पी यूरिया उसके अनुसार ही दें। अपन को पता नहीं होता कि अभी अपने खेत में कितना अपन खाद डालना है, अगर अपन कम डालते हैं तो भी नुकसान और ज़्यादा डाल दिया तो भी नुकसान। कुल मिला के बात यह है कि अगर अपन सॉइल हेल्थ कार्ड एक आज से कुछ साल पहले अपने केंद्र सरकार ने किसानों के हित में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ये शुरू की थी, तो इसमें ये होता है कि जो किसान की जो खेत की मिट्टी है उसकी जांच होती है और उस मिट्टी के अनुसार उस किसान को भाई आपके खेत में कितना यूरिया डालना है, कितना गोबर खाद डालना है, कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना है, तो वो सब सिफारिशें वो देते हैं कि भाई अगर आप इसे कम डालोगे तो भी नुकसान होगा और ज़्यादा डालोगे तो भी नुकसान होगा, तो ये जो मात्रा है ये डालोगे तो बढ़िया रहेगा। और इसके साथ में अगर आप जैविक खाद जैसे जैसे गोबर खाद का उपयोग करोगे तो भी आपका जो अपन जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इससे जहाँ तक हो अपन को मिट्टी और पानी की जाँच करवानी चाहिए। अपने बहुत लोग इच्छुक भी होते हैं कि साहब मुझे जाँच करवानी है लेकिन कहाँ करना है जगह नहीं पता नहीं होती। तो अभी वर्तमान में अपने पूरे जिले के अंदर एक ही अपने मर्दा की लैब है जो अपने पंचायत समिति के पास में अपने जॉइंट ऑफिस है कृषि विभाग का, तो वहाँ पे मर्दा नमूने की जांच होती है और मात्र पाँच रुपये के अंदर आप अपने खेत की मिट्टी की जाँच करा सकते हो। मात्र पाँच रुपये के अंदर जो आपके एक दिन की चाय के प्राइस से भी कम है मुझे लगता है। और इसके साथ में अगर आप चाहो कि भी आपके खेत के पानी की स्थिति कैसी है, पानी भारी है, पानी हल्का है, पानी की पीएच कैसी है, कि अगर अपने पानी से खेत को भी नुकसान पहुंचता है, क्या ना कि अपने यहाँ पे बहुत जगह जो पानी है वो थोड़ा भारी पानी, हैवी पानी, खारा पानी है, तो अपन खेत में खारा पानी का उपयोग करते हैं तो उससे भी फसलों को और खेत की ज़मीन को नुकसान पहुँचता है। तो अपन उस लैब के अंदर अपन पानी की भी जाँच करा सकते हैं और पानी की जांच में अगर ये लगता है कि भाई पानी खारा है या फिर ज़्यादा पानी से नुकसान हो सकता है तो वो अपन को ये सिफारिश देते हैं कि भाई इस पानी के अकॉर्डिंग आपके खेत में कौन सी फसल बोगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा, उससे खेत की मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। या फिर दूसरा एक तरीका है खेत तलाई, बारिश का पानी इकट्ठा करो और आपका जो वहाँ का पानी इकट्ठा करो, मिक्स करो, फिर खेतों में दो, तो भी आपको उसमें से नुकसान नहीं होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी खेती की आमदनी को बढ़ा सकते हो, जो अनावश्यक केंद्र सरकार के ऊपर सब्सिडी का बोझ है उसको कम कर सकते हो और अपने किसानों की आय दुगुनी क्या, अगर ये अपनाओगे तो आपकी आय तिगुनी भी हो जाएगी क्योंकि अपन जो खर्चा करते हैं वो खर्चा भी कम हो जाएगा और अपन बेहतर मैनेजमेंट से अपन अधिक से अधिक उसका अपन लाभ दे सकते हैं। तो ये कुछ योजना थी जो मैं आपको बताना चाहता था, धन्यवाद। संपूर्ण राजस्थान व जालौर के अंदर भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर आप सभी के घरों पे
जो जो सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार हैं उनके घरों पर एएनएम बहन जी, आशा बहन जी, हमारे सीएचओ और कोई मेडिकल का स्टाफ आपके घर घर दरवाजे पर आकर आपके फ़ोन नंबर, आपके आधार कार्ड लेकर आपके आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस आयुष्मान भारत कार्ड से आप राजस्थान ही नहीं भारत के किसी भी राज्य के अंदर जाकर, चाहे आप राजस्थान के रहने वाले हो या काम धंधे के लिए देशावर में रह रहे हो, कहीं पे भी हो, ये आयुष्मान भारत के तहत आप 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, जिसमें कोई भी बीमारी, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, हार्ट अटैक हो, कोई ऑपरेशन हो, कैसे भी काज हो, आप भारत के किसी भी कोने में इस आयुष्मान भारत योजना के तहत आप निःशुल्क एकदम फ्री इलाज प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आप सभी मेरा अनुरोध है कि आप अपना आधार कार्ड व मोबाइल नंबर ले जाकर आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर या आपके घर पर आने वाली आशा बहन जी या एएनएम के थ्रू आप अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं और इस निःशुल्क योजना का तहत कभी भी भगवान ना करे परिवार में ऐसी जरूरत पड़े, लेकिन यदि जरूरत पड़ने पर अपन को किसी की तरफ देखना नहीं पड़े। और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये अपने गरीब परिवारों के लिए ये योजना शुरू करी है, इसका फ़ायदा उठाएं। चिकित्सा विभाग की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जिसके अपने जालौर शहर के अंदर माल बाईपास पर ट्रांसपोर्ट जो कार्यालय है उसके पास में प्रधानमंत्री मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, उस पर सभी प्रकार की दवाइयाँ कम से कम बाजार के भाव से 50-70% सस्ती मिल रही है, जो भले जालौर के या पालनपुर के, ईसा के, धानेरा के, कहीं का लिखवा के लाए हो वहाँ पे आपको निःशुल्क मिलेगी, सॉरी निःशुल्क 50-70% कम दामों पे मिलेगी। और इसका अपन को सबको फ़ायदा उठाना है, चाहे जो ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट कार्यालय के पास में है मेडिकल स्टोर, वहाँ से अपन को ये दवाइयाँ खरीदनी है। धन्यवाद। 3-4 गुना तक का अंतर है, जो बाजार में 1000 रुपये की दवाई मिलती है वो मात्र 200-250 रुपये में वहाँ मिलती है। कलेक्टर साहब, चेयरमैन साहब और सम्मानित सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण, खेलो इंडिया भारत सरकार द्वारा सभी डिस्ट्रिक्टों में खोले रखने के लिए बास्केटबॉल की सारी सुविधाएं और खेल उपकरण हमें और एक कोच यहां लगाए। निवेदन है कि वो अपने बच्चों को ये सेंटर खेलो इंडिया गहनाजी पूंजाजी स्टेडियम में चल रहा है, आप अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ करवा कर बच्चों को अधिक से अधिक इसका लाभ लें, ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया। उसके अलावा स्टेडियम में और भी खेल चल रहे हैं, वुशु और एथलेटिक, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो आप उसमें सभी में अपने बच्चों को भेजकर अधिक से अधिक इसका उपयोग कराएं और बच्चों को अच्छा तंदुरुस्त और भविष्य के लिए उसको तैयार करें। साथ ही बास्केटबॉल का सेंटर जो साई द्वारा चल रहा है उसमें हमारे द्वारा एक प्रशिक्षक भी लगाए गए हैं, जिनकी सुविधाएँ आप सभी अधिक से अधिक प्राप्त कर बच्चों को भविष्य बनवाएं। आराम से किशोर, ये पीछे भी दे दो पोस्टर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, क्या हुआ? मेरी एक लाते जमीन
जमीन बंजर होगी, अब मैं क्या करूँ, मेरे खाने पीने के भी लाले बढ़ जाएंगे। अरे भाई शांत हो जाइए, आप ही के साथ नहीं गांव के कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो फिर कोई कुछ करता क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि इस गांव में ही कुछ कमी है, लगता है किसी ने श्राप दे दिया हमारे गाँव को। तो ऐसे देखते पूरा गांव बंजर हो जाएगा। हो जाएगा? अरे भाई हो चुका है, सिर्फ उस श्यामलाल और महेश की जमीन बची हुई है, बाकी पूरे गांव की बंजर हो चुकी है। बात तो सही है, लेकिन कारण क्या है, क्यों एक एक करके हमारी जमीन हमारा साथ छोड़ रही है? पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। लगता तो ऐसा ही है, पर किया क्या जाए। मैं तो कहता हूँ कि गांव ही छोड़ देते, चले जाएंगे कहीं और। कैसी बात कर रहे हो तुम, हमें गांव छोड़ कर जाएंगे का? बहुत सालों से मंदी पड़ी है, किसी के पास इतने पैसे भी नहीं है कहीं नई जगह जाकर बस सके, और जमीन का लोन भी बाकी है। पहले मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ कि बोरियों बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। वैसे भी हमारी जमीन तो बंजर हो गई है, अभी हमारे किसी काम की तो है नहीं, इससे अच्छा नई जमीन ले लेते। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, भला इस बंजर जमीन को खरीदेगा कौन? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, गांव से 5 किलोमीटर दूर एक मॉल है और उसके मालिक से मेरी बात हो गई है, वो ये भूमि लेने के लिए भी तैयार है। आओ मिलकर चर्चा करते हैं। तो हम सब ने फैसला कर दिया है कि हम ये जमीन छोड़ के और गांव छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। चलो भाइयों। हे मेरे इस देश के निवासियों, मेरी विनती सुनो, मैं तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो। अरे अरे तुम हो कौन और तुम्हारी क्या तकलीफ है? मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसने तुम सबको पाला है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस ईश्वर की बनाई संपूर्ण सृष्टि को मैंने पाला है, और आज जब मैं दर्द से कराह रही हूँ, तुम लोगों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मेरी मदद करने के बजाय मुझे अकेला छोड़कर भाग रहे हो। अरे ये पहले मत बुझाओ, सीधा सीधा बताओ तुम कौन हो और क्या चाहती हो हमसे? मैं धरती हूँ, वो धरती जिसकी वजह से तुम सबका अस्तित्व है। तो क्यों है या? अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम वैसे भी ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। मेरी ये हालत तुम लोगों ने ही की है, मैंने इस गांव की कई पीढ़ियों को अपने बच्चों की तरह पाला है, उन बुजुर्गों की मैंने सेवा की, जब उन्होंने मुझे माँ माना है, जब भी मैं बीमार पड़ी उन्होंने मेरी सेवा की है, आज जब मैं दर्द से घरार रही हूँ, तुम लोग मुझे बीमार छोड़कर भाग रहे हो। झूठ मत बोलो, तुम्हारी हालत हमने नहीं की है, तुम खुद ही इतनी मैली हो चुकी हो कि हम मजबूर है तुम्हें छोड़कर जाने के लिए, अगर हम यहाँ रुके तो हम और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो, तुम लोगों ने ही कृषि करने के तरीके में बदलाव करके मुझे प्रदूषित किया है, और अब सारा इल्जाम मुझ पे डालते हो, शर्म आनी चाहिए। हमने प्रदूषित किया? हम तो वही करते आ रहे हैं जो सब लोग करते हैं, हमें खेती अच्छे से करनी आती है, पर तुम्हारी मिट्टी ही प्रदूषित हो गई है, उसमें हम क्या करें? ये गलत है, तुम लोग हर बार तरह तरह के रसायन का इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। तरह तरह के रसायन से तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? हम तो वही इस्तेमाल कर रहे आ रहे हैं जो बाकी सब करते हैं। तुम हवा में बात करना बंद करो और ठोस सबूत तो बताओ। तुम्हें पता नहीं है भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है? अच्छा अच्छा, 67% भारत की जनसंख्या आज भी कृषि से ही अपना पालन पोषण करती है, और तुम लोग जिन रसायनों का इस्तेमाल करते हो जिससे कि ये मिट्टी जहरीली हो जाती है, इसका असर सिर्फ मुझ पे नहीं तुम लोगों के भी पड़ता है। इसका असर तुम्हें तुरंत नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल समय लगेगा, लेकिन असर दिखेगा जरूर। तुम जिन भाग्यों की बात कर रहे हो उनकी भी जमीन बंजर होगी, आज नहीं तो कल होगी जरूर। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें है ना, हवा में उड़ती बातें है, इन रसायनों से कोई नुकसान नहीं है, इन रसायनों से की वजह से हमारी खेती और दुगुनी होती है और कम समय में होती है। नुकसान होता है यकीन नहीं तो 1980-1990 के बीच कीटनाशक प्रदूषण के बारे में पढ़ो, यदि फिर भी तुम्हें यकीन न हो तो 2011 में केरल में हुई त्रासदी के बारे में पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये तो सिर्फ दो ही उदाहरण है, मेरे पास तो ऐसे कई उदाहरणों के भंडार है, और इसका असर तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा। और हाँ, तुम दूसरे जमीन लेकर खेती करने की बात कर रहे हो, लेकिन क्या फायदा, तुम वहाँ जाकर भी उन्हीं रसायनों का इस्तेमाल करोगे जिससे कि वो जमीन भी बंजर होगी, और तुम ये सिलसिला तुम्हारे जीवन में चलता रहेगा। तो अब तुम ये कह रही हो कि हम इन रसायनों के बिना खेती करें, भला ये कैसे मुमकिन है, और हम तो ये कई सालों से करते हैं, ये हमारा सबसे पुराना तरीका है। तुम्हें क्या लगता है
जब से खेती की शुरुआत हुई है तभी से इन रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं बिना रसायनों की भी खेती की जाती थी। हमें तो सिर्फ यही तरीका पता है, कोई और तरीका हमें कभी किसी ने नहीं बताया। यही तो गलती करते हो तुम लोग। वेदों में वैदिक कृषि के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है, अच्छे से समझाया गया है कि आधुनिक लोग किस प्रकार से कृषि करते थे और उनमें रसायनों का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। उनकी खेती काफी अच्छी भी होती थी, सिर्फ वो एक या दो प्रकार की फसलें नहीं बल्कि कई प्रकार की भी फसलें करते थे। गेहूँ, जौ, चना, मक्का, मसूर, गेदुमा, अन्य प्रकार की फसलें करते थे, उनकी फसलें अच्छी भी होती थी। तुम फसलें गिनवाना बंद करो और ये बताओ कि रसायनों के बिना खेती कैसे की जाए। उपज और क्षमता को बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग करो, गाय का गोबर, केंचुओं का इस्तेमाल करो, जिससे कि तुम्हारी खेती काफी अच्छी हो जाएगी। और ग्रंथों में अच्छे से लिखाया गया है और कि यदि खेतों में कीड़े मकोड़े अधिक बारिश सूखे जैसी समस्या हो तो फसलों को कैसे बचाया जा सकता है और उसे कुछ यंत्रों द्वारा रोका भी जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब तो दादी सही कहा करती थी, उनकी दादी भी बिना रसायन की खेती करती थी, उनकी फसल भी बहुत अच्छी होती थी। हाँ, इन रसायनों से मुझे नुकसान होता है और अब तुम सबके ऊपर है कि तुम यानी मुझे यानी इस देश की मिट्टी को कैसे सुरक्षित रखते हो। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूं? देखो भाइयों, यहाँ बात सिर्फ खेतों में रसायन की नहीं बल्कि आजकल के समय में बड़े बड़े कारखाने जो खुले मैदानों में अपना जहरीला पानी डाल देते जिससे कि मैं दूषित होती हूँ, यानी ये धरती दूषित होती है और इस जमीन पर उगने वाली फसल तुम लोग खाते हो जिससे कि तुम लोग बीमार पड़ जाते हो। मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप इन रसायनों का इस्तेमाल करना बंद करो, वरना आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। धन्यवाद। माता, धरती माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपकी जिंदगी को प्रदूषित किया और तरह तरह के रसायनों का प्रयोग करके उन्हें प्रदूषित किया है। आज के बाद हम संकल्प लेते हैं कि इन रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे और जैविक पदार्थों का प्रयोग करेंगे। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षा योजना है जो 2015 से देश में संचालित है। इस मुद्रा लोन की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको 10 लाख रुपए से तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के बैंकों द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। इस मुद्रा योजना के अंतर्गत जो बैंक की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। जिसको भी कोई अपना दुकान करता है या कोई सेवाएँ देता है या कोई अपना इंडस्ट्री लगाता है या बिजनेस करता है, कोई भी ऐसा कार्य है जो जिसको पैसों की आवश्यकता हो, मुद्रा लोन के अंदर बैंक में जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इमित के द्वारा भी ऑनलाइन पोर्टल है मुद्रा लोन का, वहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में बैंक वाले आपसे संपर्क करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपकी योजना के बारे में पता करेंगे और जैसे आपकी लिमिट होगी उस लिमिट के हिसाब से जो फॉर्मेलिटी है बैंक की वो आपको कागज़ तैयार करके दे देना है। और कागज़ तैयार करने के बाद में एक हफ्ते के अंदर ये आपका लोन जाना है, बैंक से सेंक्शन हो जाता है। इसके अंदर आपको कोई भी तरह की गारंटी, किसी गारंटी की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रॉपर्टी पेपर रखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान लोन है। मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि आप इस योजना का फ़ायदा अवश्य उठाएं। अभी मैं इस मेरे पास में इस मौके के ऊपर एक प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना, पुरानी योजना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। इसके अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कल ही 10 लाख रुपए का एक लोन सेंक्शन किया गया है और लाभार्थी वो यहाँ मौजूद है। मैं आप निवेदन करूँगा कलेक्टर साहब से, MLA साहब से। हाँ, ललित कुमार जी मौजूद हैं, इनको 10 लाख का लोन। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 15% की सब्सिडी है, ग्रामीण क्षेत्र में 25% की है और SC ST के लिए 35% की अनुदान सरकार की तरफ से है ना, जो दे रहे हैं। मन बरो, मेरा नाम ललित कुमार है। मैंने PMEGP योजना के तहत मैंने 10 लाख रुपए डेयरी फार्मिंग के लिए दिए थे, लेकिन मेरा लगभग हफ्ते भर में ये सेंक्शन हो चुका है और मुझे 10 लाख रुपए मिल चुके हैं। कुछ फिक्र नहीं। राममल जी, थानमल जी, राममल जी, थानमल जी, सोमटी देवी, कुयाराम जी,
पुटे आराम से आराम से। सोमती देवी कुयराम जी आओ आजा आओ आजा एक मिनट मजे बोल मजे 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 बगदाराम जी सकाराम जी जितेंद्र कुमार मोहनलाल जी लाइन में आ जाओ। माली पुत्र रामाराम जी लीक रहा है कोई हां लीक रही है। अरे योगी मजे कालूपुरी पुत्र रामपुरी जी बैठो चप्पल पहनो कालूपुरी पुत्र रामपुरी जी महेंद्र कुमार पुत्र भवनलाल जी कानाराम माली पुत्र रामाराम जी कालूपुरी पुत्र रामपुरी जी शांतिलाल पुत्र धर्माराम जी राठौड़ रजनीकांत पुत्र सरनाम सिंह हरीश कुमार पुत्र रतनलाल महावीर पुत्र गोविंद राम ईश्वरलाल पुत्र छोगाराम दीपक जी दो नाम है सर तांची देवी चुनीलाल जी और पंकु देवी कुयाराम जी इनको ये उज्ज्वला योजना में लाभ दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के रूप में मैं बुला रहा हूँ हिमानी वैष्णव आप ये विज्ञान में और जिले का नाम रोशन किया जोरदार तालियां इनके लिए। छाया प्रजापत आपने 12वीं बोर्ड में 80.80% अंक वाणिज्य में प्राप्त करके जिले का नाम रोशन किया। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में फलस्वरूप दूसरा है दिव्या सोनी इन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करके जिले का नाम रोशन किया है। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। अब चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के फलस्वरूप आपको ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। दूसरा नाम आशा के जॉर्ज ANM अगला नाम भावना गहलोत आशा सुशीला टांग आशा सुशीला गहलोत AS अब महिला एवं बाल विकास विभाग KYC में बेहतरीन कार्य के फलस्वरूप आपको प्रमाण पत्र स्मृति की हौसला अफजाई के लिए और इसी कड़ी के रूप में मैं बुला रहा हूँ ममता शर्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपने भी प्रधानमंत्री योजना में उत्कृष्ट कार्य किया है। नगर परिषद में जिन कार्मिकों ने श्रीमती सीमा कैलाश जी आप भी कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी शहर में उत्कृष्ट सफाई के कार्य के फलस्वरूप श्रीमती आशा ओम प्रकाश जी
सफाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के फलस्वरूप श्रीमती सुमिता मुकेश राजेश श्रीमती गीता महेश जी श्रीमती किरण बालू श्रीमती किरण बालू जी और श्री हरमाना राम मंगलाराम जी वाहन चालक हैं आप और सफाई कर्मचारी सीवरेज में उत्कृष्ट कार्य करने के फलस्वरूप विनर आगे आ जाए तीन बच्चे क्यूज विनर जो रहे हैं प्रश्नोत्तरी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है दीपक कुमार दीपक सुधार जोरदार तालियां दीपक सुधार एक सुधार के लिए इन्होंने और तृतीय स्थान प्राप्त किया है कालूराम बैरवा सर और कोई हो तो शिक्षा विभाग से संबंधित मैं नाम ले रहा हूँ करीना कुमारी भगवान समरीन बानो साबिर अली वो कस्तूर राम जी बैठे हैं ये साहब उनको दे दो प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत गोद भराई की रस्म बाद में जाते वक्त हमारे अतिथियों से निवेदन है कि जाते वक्त ये कार्यक्रम उससे पूर्व हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में श्वेता देवी जिनको 5 लाख का मुफ्त हमारे विधायक महोदय द्वारा उनको प्रमाण पत्र देकर नवाजा जा रहा है मन से इल्तिजा निवेदन है कि आप तस्वीर रखें नगर परिषद जालोर में शहरी क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से इस परिसर में वैन आई उसका स्वागत किया गया और आप सब लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है और सभी लोग मैं देख रहा हूँ लगातार कि जब से हम लोग आए हैं लोग इतने जागरूक हैं कि वो सभी काउंटर पे जाकर के अपने योजनाओं का लाभ ले रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है आप सबको बहुत बधाई आज हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक जोगेश्वर गर्ग जी नगर परिषद के अध्यक्ष गोविंद टाक जी उपसभापति अंबालाल व्यास जी हमारे सुरेश सोलंकी जी सभी पार्षदगण जनप्रतिनिधिगण हमारे बहुत एक्टिव युवा SDM साहब प्रमोद जी और नगर परिषद के आयुक्त तो और उनकी पूरी टीम और मेरे जो जिला स्तरीय अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यहाँ बैठे हैं वो सब भी अपने काउंटर्स पे लग कर के जानकारी भी उन्होंने दी अपनी योजनाओं की तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि वो जिस मंशा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चूँकि चुनाव थे उस वजह से हमारे स्टेट में ये योजना थोड़ा लेट शुरू हुई ये यात्रा योजनाएं तो पहले से चल रही हैं पर यात्रा चुनाव के बाद राजस्थान में आई और एक दिन में 2 गांवों में या 2 ग्राम पंचायतों में ये वैन जा रही है इसी तरह से आज सुबह नगर परिषद क्षेत्र में वैद्यनाथ मंदिर परिसर में कैंप हो रहा है और दोपहर बाद नगर परिषद की कार्यालय में वहाँ पर कैंप होगा वहाँ पर जो लोग अभी छूट जाएंगे वहाँ पर भी आकर के लाभ ले सकते हैं 17 योजनाएं हैं जिनकी सूची यहाँ पर लगी हुई है उधर 17 योजनाएं जो भारत सरकार की हैं तो इन 17 योजनाओं में जहाँ जहाँ अपने को लाभ मिल सकता है वो सब आप लोग बहुत जागरूक हैं शहरी जनता है और भी ज़्यादा जागरूक है जन औषधि स्टोर को लेकर SDM साहब कह रहे थे मैं भी आपको कहना चाहूँगा बहुत फ़र्क है रेट में मेडिकल स्टोर के बजाय अगर आप जन औषधि स्टोर से दवाइयाँ लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा इसी तरह से तमाम योजनाएँ हैं बहुत अच्छे ढंग से आपने कार्यक्रम संपन्न कराया और
बहुत अच्छी इसी तरह से जो आगे के नगर परिषद क्षेत्र में होंगे और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में भी वो इसी प्रकार संपन्न होंगे। मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान आदरणीय कलेक्टर साहब, सभापति भाई गोविंद जी, उपसभापति अम्बालाल जी, सभी पार्षद, नगर अध्यक्ष भाई सुरेश जी, महेंद्र जी मुड़ोत और सब सरकारी अधिकारीगण, एसडीएम साहब और सारे सरकारी कर्मचारीगण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, माता और बहनों, 10 साल पूरा हुआ मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनिया ने। 10 साल में उन्हें खूब योजना बनाई है और ज़्यादातर योजना गरीबों के वास्ते बनाई है। लगभग 253 योजना 10 साल में उन्हें लगाई है, जो सबरे वास्ते कोई थे मोटा मोटा करोड़पति दिल अरबपति दिल है ने गरीब आदमी तक सबरे कोमरी है। ज़्यादातर गरीबों के वास्ते योजना है और वरना लाभ भी फायदों भी लोगों ने खूब मिलियो है। घर घर में फायदा मिलियो, घर घर में गैस कनेक्शन गया है, घर घर में मकान बढ़िया है, घर घर में बाथरूम बढ़िया है, घर घर में राशन 5 किला को मनक दे, घर घर में आवेरिया है, घर घर में पेंशन आवेरिया है, ये सब फायदा मिलिया है। पर अन 5 साल में अन सब योजनाओं की कोई चर्चा नहीं हुई, जोड़न नहीं हुई, राजनीतिक कारण से नहीं हुई कि घनी चर्चा करे तो मोदी ने होबाग पूरा मिले, मोदी ने होबाग मिले तो पे वोट मोदी ने ले जाए, बीजा नहीं मिले अन वास्ते अन्नी चर्चा नहीं हुई। चर्चा नहीं व्यवहार कारण अपन नुकसान भी हुआ, जितना फायदा मिलना चितो नहीं मिलो। ये आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार ही मोदी जी लागू की थी, राजस्थान में चिरंजीवी योजना लागू की थी और चिरंजीवी योजना रो फायदा राजस्थान रे बारे नहीं मिलते, आयुष्मान भारत पूरा भारत में बढ़े। अपने आटे देशावरिया घना गर्दी कोई कोई मोटियार बारे बैठा है, कोई नौकरी करे, कोई खुद रो धंधो करे, अटारो आज चिरंजीवी कार्ड बनी हो रहा है। तमिलनाडु में कोई बीमार पड़े तो वो कार्ड बनने को में नहीं आता, आयुष्मान भारत रो कार्ड है तो बटे भी कम है। और लाडला 5 साल में अपने नुकसान हुआ कि आयुष्मान भारत रो जो अपना देशावरिया फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलियो, तो अणतरी कई योजना अपन ने नुकसान भी हुआ, जो प्रचार ज़्यादा नहीं हुआ, चर्चा ज़्यादा नहीं हुई वन कारण थी। हमें आज चर्चा हुई हमें सही, बहुत अच्छा उत्साह आप लोगों ने बिल्कुल देख रहे हो, मैं खूब जोश है, खूब लोग फायदा ले रहे हैं। और जो मोदी जी जो सिस्टम बनाया अड़ा है, वन सिस्टम में अड़ो है कि कोई न तो फालतू चक्कर काटना पड़े, न कटे कन्ने हाथ जोड़ी करनी पड़े, न कन्ने मनवार करनी पड़े, न कन्ने कोई रिश्वत देनी पड़े, कोई वो 10 लाख रुपये लोन मिलो हाथ धन में फॉर्म भरिया ने हाथ धन हुआ 10 लाख रो लोन पास हुआ बुरा चेक मिलो। और उनमें कोई कन्ने हाथा जोड़ी करवा जरूरत नहीं, कोई तरह सिक्योरिटी देवा जरूरत नहीं, कोई जमीन के मकान के कोई गिरवी रखना पड़े वो भी नहीं। 10 लाख रुपया व्यापार करवाने वन मोटिया ने मिलया है सिर्फ प्रधानमंत्री की गारंटी माते, प्रधानमंत्री के नहीं भरी तो मुँह भरू तो आ एड तरह जो स्कीमों है अपने अटे मनो ज़्यादा प्रचार नहीं व्यवहारती और फायदा नहीं ले सके हमें ही सही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा उड़ा रो। और मोदी जी वो चाहे कि सबरे इनकम बढ़नी चाहिए, घर में सुविधा बढ़नी चाहिए, तकलीफों मटनी चाहिए, मकान नहीं हो तो मकान बनना चाहिए, दुकान नहीं है तो दुकान बननी चाहिए, बिजनेस नहीं तो बिजनेस बनना चाहिए, खेती नहीं है तो खेती हावड़ बननी चाहिए। जो हमारे खेती अधिकारी बताए अपने कम खर्चा में ज़्यादा फायदों की कर ले अपने आप इनकम बढ़े ला किसान रही, खर्चा कम गई इनका कमाई ज़्यादा गई तो नफो बढ़ी, तो वो सब योजनाओं अपने देश में 10 साल की आधे रही है। पर सब रो फायदों अपने ज़्यादा में ज़्यादा उठाना चाहिए, जिनने ठार नहीं है वह भी लियो, 73 योजना तो काउंटर लगो रहा है और सब योजना रो आप लाभ ले सको। और जो अटे वो कैंप पे चलो आज आ जाए पचे नहीं है तो भी आप मैं मोटे रंग सबने कहूँ कि सब चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध है, आपने मोबाइल में सब चीज़ें हैं, हो जो बड़ा कमी है हो जो और उनमें तरीकों भी लिखे उड़ो कन्ने ही पूछो है जरूरत नहीं है, वह ऑनलाइन वन तरीका में जा फॉर्म भरो और ऑनलाइन आपने घरे अपना
आदमी आपने संपर्क करी फोन आवी आप पड़े या कोई कर्मचारी आवी ऐसा फॉर्म भरियो तो क्या भरियो तो ला लो साहब कह लिया अड़ब तरह से काम करवाने तरीको मोदी जी करे रहा है कि करने की गरज नहीं करनी नहीं करावनी पड़े और करने रिश्वत देनी भी नहीं पड़े दोनों बहनों भी नहीं पड़े और आप कौन भेजाए आज सब जो वो माहौल जो बनावा की कोशिश मोदी जी 10 साल में की दी है और मैं काफ़ी हद तक सफल हुआ है और आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद रही मोदी जी ने तो आगे और भी अच्छी अच्छी योजना वह लावे दिया है और देश ने आत्मनिर्भर बनाना देश की गरीबी दूर करनी और देश में कोई करने की तकलीफ नहीं रहा और भेदभाव बिल्कुल नहीं कौन जात रो है कौन धर्म रो है कौन गांव रो है कौन शहर रो है कोई पूछवा की जरूरत नहीं कन्ने वोट दी दो वही नहीं पूछे फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरो ऑनलाइन फायदा लियो और जो माहौल मोदी जी बनाया पूरा देश में अन्य कारण से गरीब आदमी फायदा मिल गया जो 5 किलो को हर मनक ने जो मिल रहा कतरा हजारों लोगों ने अपने जाड़ों में मरता वेला वे लगातार मलेरिया में और अजय 4-5 साल मिलेगा जटा तक के बिल्कुल वो आज परिवार मजबूत नहीं हो जाए वो परिवार खुद कहला के बस हमारे मुफतरों अनाज देवा जरूरत नहीं कि मोरे टाबर हमें कमावा डोगा बरा हमें मोरे कमाई आवा डोगी बरी भोगडूर खाणू करना अच्छो लागे कमाई खाणू खाणू अच्छो लागे पर कमाई नहीं हुए तो फिर वो भोगडूरी मांगनू पड़े तो मोदी जी वो हर घर ने हर परिवार ने हर आदमी ने हर औरत ने मोदी जी अपना मजबूत करना चाह रहे तो योजना और माध्यम से अपने आप को मजबूत करा करने कोई कहवा जरूरत नहीं करने कोई असंत करवा जरूरत नहीं अन्य योजना और फायदा उठाओ तो आपने अपना वो मजबूती मर जाला उज्ज्वला गैस जो आज कनेक्शन दीदा है और भी कनेक्शन आप ले सको जो उनमें आवे उनमें और उज्ज्वला वालों मोटा फायदा है कि हमें उन्होंने कनेक्ट सिलेंडर पाचो भरावा जाला तो सिर्फ 450 रुपये में सिलेंडर मिले 450 रुपये में गैस और सिलेंडर भरियोड़ा अपने पास में मिलेगा उज्ज्वला वालों ने और बाकी जो लोग हैं उन्होंने 950 जो उज्ज्वला में नहीं है उन्होंने 950 मिले और उज्ज्वला वालों ने 450 मिले तो और मोदी जी फायदा अपने दीजो है बात ताजो ताजो अन्य भी फायदा उठाना चाहिए राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तो मोदी जी ने तालमेल वाली सरकार बनी है तो मोदी जी योजना बेटर लागू वेला मोदी जी सहयोग से राजस्थान सरकार भी नवी योजना आवेला वनों भी आप लोगों ने फायदा मिलेगा सब मिला ने दो ही सरकार मिलन आप सब ने सुखी करना चाहे आपकी तकलीफों कम करनी चाहे आपके दुख मेटना चाहे अन वास्ते मैं सब लोग काम में लग पड़ा हूँ आप लोगों का सहयोग अच्छा मिल रही है अन तरीके सहयोग मिलता रही तो देश ने आप बहुत मजबूत देश बनाला बहुत हर देश रो हर आदमी मजबूत वाला हर परिवार मजबूत वाला आज मोदी जी की मंशा है आज मोदी जी की इच्छा है और आप सब लोग भी आई इच्छा है वाणी साहब जी मोदी जी काम करेगा और वास्तव में आप सब ने धन्यवाद दूँ अच्छा कार्यक्रम आज वो है और कार्यक्रम आज नहीं है आज रे बाद नहीं वेला तो भी और योजना रो काम चालू रहला आप लोगों का फायदा उठाओ ऑनलाइन भी जानकारी ले सको ऑफिस में जान भी पूछ सको आपने पूरी मदद मिला पूरी जानकारी मिला और आपने पूरा फायदा मिला आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद रोके से ना रुके हम बरसी से चले
आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी और आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक इसका लाभ लें और संबंधित विभाग में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपका नाम सूची के अंदर दर्ज हो जाए। एक बार पुनः मैं बधाई देने के सभी आज के कार्यक्रम के अतिथियों का प्रशासन नगर परिषद की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ तशरीफ लाकर हमारे जालौर नागरिक और माताओं बहनों जितने भी मानुभाव हमारे बीच मौजूद हैं उन सभी को माननीय प्रधानमंत्री महोदय की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी ताकि वो लोग अपनी समस्या को लेकर संबंधित विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के उसका निवारण कर सकते हैं। मेरे बीच में आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं नूर मोहम्मद निशाहब दयावती चरण प्रियंका प्रमोद वैष्णव जिन्होंने संचालन को लेकर और सांस्कृतिक गतिविधियों को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने में अपनी सहभागिता निभाई उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। खास करके मैं दिनेश महावर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आप तो शहर में बुला पूछा आप पीछे बुला दो पूछा
भी है। हेलो